तीन मांगों को लेकर के कोटवारों ने तहसीलदार के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम दिया ज्ञापन। पन्ना जिले के जनपद पवई अंतर्गत तहसील सिमरिया में कोटवारों ने सिमरिया संध्या अग्रवाल तहसीलदार के माध्यम से मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि ये की तहसील कोटवार संघ मांग करता है कि हमें इस महंगाई के युग में बहुत ही कम वेतन 4,000 रुपये प्रतिमाह मिल रहा है, जिसे बढ़ाकर कलेक्टर रेट तय किया जाए। ये की कई कोटवारों को बरसों से कोर्ट द्वारा के बदले भूमियां आवंटित की गई हैं, उन्हें मालिकाना हक उक्त भूमि का दिया जावे। ये कि वर्तमान में लंबे समय से कोटवार स्थायी तौर पर काम कर रहे हैं, जिन्हें स्थायी तौर पर नियुक्ति दी जावे। अतः ज्ञापन पेश कर निवेदन है कि हमारी समस्या का निराकरण कर हमें वर्तमान में हो रही समस्याओं से निजात दिलाई जाए। आवेदन जीते समय कोटवारों की संख्या काफी बढ़ चढ़ कर रही, जिसमें मुख्य भूमिका सूरज भान दहिया, राजेंद्र लोधी, प्रहलाद दहिया, पूरनलाल दहिया, बाबूलाल बर्मन, देव शरण दहिया, ब्रजेश दहिया, रामजी दहिया, अनिल कुशवाहा, समस्त कोटवार संघ राजस्व विभाग उपस्थित लोग रहे। ग्लोबल इंडिया टीवी सिमरिया से मनोज दुबे की रिपोर्ट। ग्राम कोटवार, तहसील सिमरिया, जिला पन्ना, मध्य प्रदेश से हम लोगों की मांग है कि इस समय हम लोगों को 4,000 रुपये दे दिया है, जो इसमें हमारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई भरण पोषण नहीं चल रहा। और दूसरी मांग हमारी ये है कि जो कोटवारों को सेवा भूमि दी गई है वो स्वामी भूमि की जाए। और हम लोगों की तीसरी मांग है कलेक्टर रेट पर हम लोगों को किया जाए।